हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल टीआर मिश्रा प्लेस में कैमरा। दोस्तों आज का जो वीडियो होने वाला है वो ब्लॉगिंग टाइप का होने वाला है। तो दोस्तों आज आप लोग देख सकते हैं कि मैं लक्ष्मी कैबिनेट में आ चुका हूँ और यहाँ व्यूवर रेडी हो चुका है और हम लोग जाने वाले हैं घूमने के लिए। और वो हम लोग कहाँ जाने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, कैसा कैसे करने वाले हैं, वो चीज़ जो है आप लोग को वीडियो के माध्यम से मैं दिखाने वाला हूँ। तो यार वीडियो को चिल कीजिए और वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत ही मजा आने वाला है। साथ साथ जो है लक्ष्मी कैबिनेट के मालिक बंडी भैया वगैरह सब लोग यहाँ पर रहने वाले हैं। बहुत सारे जो यहाँ के स्टाफ्स है, दोस्त है, यहाँ रही है, यहीं से हम लोग जाने वाले घूमने के लिए। तो ये ट्यूबवेस आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ का फोर व्हीलर जो है लग चुका है लक्ष्मी कैबिनेट में और हम लोग अभी निकलने वाले हैं घूमने के लिए। गाइस तो वीडियो को यार लाइक कर दो, बस अभी हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं। उसके बाद का ब्लॉगिंग मैं टोटल आप लोग को दिखाने वाला हूँ। देखिए बंडी भैया भी आ रहे हैं, साथ साथ देख सकते हैं कि बंडी भैया भी आ रहे हैं। उसके बाद जो हम लोग यहां से ब्लॉगिंग स्टार्ट होने वाला है गाइस, बोले तो पूरा ब्लॉग दिखाने वाला है कि हम लोग कहां जा रहे हैं, क्या करने वाले हैं, अभी तक किसी को पता नहीं है, सस्पेंस में है। और वीडियो को पूरा देखते रहिए, पता चल जाएगा आप लोग कहां जाने वाले हैं और क्या करने वाले हैं। तो गाइस फाइनली हम लोग निकल चुके हैं धनबाद से बिहार के लिए। तो आखिर हम लोग कहाँ जाने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, मैं आप लोग को सस्पेंस में रखा हुआ था, लेकिन मैं अब जो है बंडी भैया खुद बताएंगे कि हम लोग कहाँ जाने वाले हैं और क्या क्या करने वाले हैं। तो बंडी भैया अभी हम लोग धनबाद से निकल गए हैं, लेकिन कहाँ हम लोग जाने वाले हैं? धनबाद से हम लोग निकले हैं, जा रहे हैं राजगीर, नालंदा खंडर, उसका बाद जाएंगे सतपुरा। अच्छा, सतपुरा के बाद जाएंगे हम लोग जम्मू के बाद जाएंगे मुंगेर जाना ना। अब मुंगेर से हो सकता है छपड़ा भी निकल सकते हैं। ऐसे हम लोग वहाँ करने क्या वाले हैं, मतलब किस लिए जा रहे हैं? हवा पानी लेने जा रहे हैं, क्योंकि बहुत दिन से हम लोग का सोच था कि हर साल निकलते हैं हम लोग, एक टूरिस्ट हो क्या, तो हर साल एक साल आप आ गए, इसलिए पब्लिक को और हमारे शुभचिंतक लोग है, सब्सक्राइबर लोग है, थोड़ा पता चल जा रहा है आपके थ्रू, ऐसे हम लोग हर साल निकलते हैं। बस यही है कि जितना भी आप लोग का सेवा करते हैं, थोड़ा वही परेशानी दूर करने के लिए आते हैं, माइंड को फ्रेश करने के लिए। और आप लोग को हर वक्त जो है डीजे का सिर्फ डीजे का ही वीडियो दिखाते हैं, तो सोचे कि चलो यार कम से कम आप लोग का प्यार और सपोर्ट की वजह से हम लोग यहाँ तक पहुँच तो पाए, लेकिन चाहते हैं कि आप लोग को भी थोड़ा सा जो है सब नज़ारा दिखा दे, क्योंकि बहुत लोग जो होते हैं देख नहीं पाते हैं, तो शायद इस वजह से उनका भी एक उमंग बढ़ जाए, है कि नहीं, और वो भी आने का जगह पे कोशिश करें। इस वजह से जो हम लोग सोचा है कि एक बार नए टारगेट बनाते हैं और कहीं टूरिस्ट करके आते हैं। यही है भैया बिहार, हरियाली के साथ अगल बगल बिहार। और आप लोग देख सकते हो कि बिहार का सीन किस तरह से है, जो कि हाइडन था, लेकिन बंडी भैया बोल दिया कि हम लोग पहुंचने वाले हैं बिहार। हेलो गाइस, तो आज हम लोग आ चुके हैं जैन मंदिर जो कि बिहार में पड़ता है, और हमारे साथ है बंडे भैया, साथ ही साथ जो है फिंडुस भैया, और साथ साथ जो है लक्ष्मी कैबिनेट का जो है गार्ड जी, ये आप लोग देख सकते हैं ये गार्ड जी है। और हम लोग जा रहे हैं जैन मंदिर हम लोग जा रहे हैं, और हमारे साथ जो है पूरा टीम मेम्बर है लक्ष्मी कैबिनेट का, और हम लोग जो है यहाँ पहुँचने वाले। आप लोग थोड़ा सा नज़ारा दिखा दे रहा हूँ, ये आप लोग देख सकते हैं गाइस, बहुत गर्मी दे रहा है इसीलिए मैं सेंडो के जिम में आ गया हूँ। ये आप लोग देख सकते हैं जैन मंदिर का जो है पूरा लोकेशन है, आप लोग के बीच में लाने को कोशिश किया हूँ। मतलब बोले थे यार आप लोग का प्यार और मोहब्बत हम लोग को यहाँ तक ले आया, बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। आप लोग का प्यार सपोर्ट जो है अभी तक हमारे बीच बना हुआ है, हमारे लिए बना हुआ है। आशा करते हैं दोस्तों इस तरह का प्यार मोहब्बत हम लोग के बीच में बना रहे। हम लोग अब अंदर का व्यू दिखाने वाले हैं, तो चलिए अभी हम लोग जो है अंदर का व्यू दिखाने वाले हैं। तो गाइस हम लोग फाइनली राजगीर पहुंच चुके हैं, ये हमारा गाड़ी जो है स्टैंड में लग चुका है। आप लोग देख सकते हो कितना गाड़ी जो है यहाँ पे स्टैंड में लगा हुआ है, और इधर जो है बाइक स्टैंड है, ये आप लोग देख सकते हो बाइक स्टैंड है। और बंडी भैया लोग जो है वहाँ पे पहुंच चुके हैं, और हम लोग अभी जाने वाले हैं, और सारा चीज़ जो है ब्लॉग में आप लोग देखने को मिलेगा, तो वीडियो का एंड तक देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा दोस्तों। और अभी राजगीर हम लोग पहुँच चुके हैं, और फाइनली हम लोग यहाँ पर स्टैंड में है, ये आप लोग देख सकते हैं कि स्टैंड वगैरह लगा हुआ है, यहाँ गेट के अंदर में है। और अभी हमें पता नहीं है कि बंडी भैया किधर चल गए, क्योंकि वीडियो बनाते इधर मेरा ध्यान रह गया, बंडी भैया निकल गए, तो यार फिर देखते हैं अभी बंडी भैया किधर। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं राजगीर सफारी, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं पीछे जो लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं राजगीर बनारसी सफारी, और साथ साथ इंग्लिश में लिखा हुआ है राजगीर वाइल्ड लाइफ सफारी। तो दोस्तों अब हम लोग इसमें जो है सफर करने वाले हैं, और हमारे साथ जो है पूरा टीम जो है लक्ष्मी कैबिनेट का यहाँ पे बैठा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों धूप बहुत ही ज़्यादा, हर एक्सेस धूप है,
धूप जो है ना बहुत ज्यादा लग रहा है, और ये आप लोग देख सकते हैं कि जो है यहाँ पे पूरा लक्ष्मी कैबिनेट का जो है पूरा टीम रेडी है हम लोग सफारी करने के लिए। तो हम लोग कहाँ जाने वाले हैं? कास के हम लोग कहाँ जाने वाले हैं? जू सफारी हम लोग जाने वाले हैं। तो दोस्तों ये देख सकते हैं राजगीर का जो है सफारी, जो है जू सफारी हम लोग जाने वाले हैं। ये आप लोग देख सकते हैं पीछे लिखा हुआ है राजगीर बनारसी सफारी। तो दोस्तों ये जो है हम लोग अभी सफारी का जो है, सफारी का मतलब है दोस्तों कि हम लोग सफर करना, तो इसी को बोलते हैं सफारी। तो दोस्तों हम लोग जो अभी सफर करने वाले हैं पूरा जू टीम, और हम लोग साथ दोस्तों देख सकते हैं कि हमारे साथ लक्ष्मी कैबिनेट का पूरा टीम है। और वीडियो को इन तो देखिएगा दोस्तों, गर्मी बहुत ज़्यादा, थोड़ा सांस ले लेते हैं, उसके बाद फिर जो है आपका भाई जो है सफारी के लिए पूरा ब्लॉग दिखाने के लिए रेडी हो रहा है। तो दोस्तों अभी हम लोग थोड़ा सांस ले ले रहे हैं, उसके बाद जो है आपका भाई सफारी का पूरा लाइव मजा देने वाला है। तो वीडियो को इन तो देखिएगा, पूरा देखिएगा दोस्तों, इन तो देखिएगा। तो गाइस हम लोग राजगीर के अंदर पहुँच चुके हैं, और ये आप लोग देख सकते हैं राजगीर का जो है यहाँ का टेंपल वगैरह सारा चीज़ आप लोग देखने को मिल रहा है। और साथ ही दोस्तों हम लोग जो है पूरा अंदर की और लोकेशन जो है आप लोग दिखाने वाले हैं। और ये आप लोग देख सकते हैं ये जो है बाहर का लोकेशन है, फिलहाल ये मतलब बोले तो इसका बाउंड्री के अंदर में ही है हम लोग, लेकिन वीडियो में पूरा चीज़ हम लोग दिखाने वाले हैं। तो वीडियो का एंड तो देखिएगा पूरा, देखिए गर्मी बहुत ज़्यादा है दोस्तों, वीडियो बनाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है, वीडियो बनाना जो मुश्किल हो रहा है गाइस बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। तो दोस्तों वीडियो का एंड तो दिखाएंगे, आपका भाई जब बोला है तो पूरा ज़रूर करेगा, और वीडियो का एंड तो देखिएगा। तो गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं यहाँ राजगीर का जो है आपका जू, ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ का अंदर का लोकेशन किस तरह से है, जो कि बंडी भी आप लोग देख सकते हैं कि बंडी भी यहाँ पहुँच चुके हैं। और यहाँ का टिकट बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है, लेकिन मज़ा है दोस्तों अभी देखने वाले कि ये जो कॉस्टली टिकट जो लिया है ये वाकई में इतना सारा चीज़ दिखाएगा या नहीं। तो दोस्तों ये देख सकते हैं कि हमारे ड्राइवर भाई भी जो है, ये जो ड्राइवर भाई ये भी जो बहुत सुबह से भूखे हुए हैं, उनको खाना वाना का भी दिक्कत हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, मिलेगा सब। और यह देख सकते हैं कि हमारे बंडी भैया जो कि बहुत स्पीड चल रहे हैं, और हमारे बंडी भैया वहाँ तक पहुँच गया। बंडी भैया रुकिए, गया बंडी भैया, अरे वाह ये तो सिंहासन में बैठने वाला, ये आप लोग देख सकते हैं, ये देख सकते हो दोस्तों कि बंडी भैया कहाँ पर बैठे हुए हैं। ये तो भाई खूब है, रंगीला है, रंगीला, ये आप देख सकते। तो दोस्तों बहुत ही मज़ा आने वाला है, अभी वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ जो शुरुआत ही है, ये आप लोग देख सकते हैं बंडी भैया जहाँ बैठे हैं ये शुरुआत है। अभी बहुत सारा जो चीज़ है जो आपको दिखाने वाले हैं। फाइनली दोस्तों हम लोग यहाँ पहुँच चुके, यही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आज के टाइम में बहुत गर्मी दे रहा है दोस्तों, फेस आप लोग देख सकते हो कि सर रेड रेड हो गया है, इसका वजह बस इतना ही है कि धूप बहुत ज़्यादा है। और ये हमारे बंडी भैया, जो कि हम लोग पूरा लक्ष्मी कैबिनेट का पूरा टीम निकल चुके हैं एक सफारी के लिए, और ये आज आगे हैं राजगीर सफारी में, आगे वाइल्ड लाइफ सफारी, तो राजगीर वाइल्ड लाइफ सफारी में हम लोग आ चुके हैं दोस्तों, और अभी और भी बहुत ज़्यादा एंजॉय करना है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, पूरा देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है। जय हिंद, जय भारत। तो गाइज हम लोग का एंट्री होने वाला है, ये आप लोग देख सकते हैं, ये हमारा एंट्री हो चुका है, ये आप लोग देख सकते हो किस तरह से हम लोग का एंट्री हुआ है दोस्तों। यहाँ का जो है कुछ ही अलग ही टाइप का लग रहा है, जैसे लग रहा है कि कहीं प्लेटफॉर्म में आए हुए एयरपोर्ट जगह में, और मज़ा आ रहा है। और अभी हम लोग जो है यहाँ से जो है अब हम लोग का सफर स्टार्ट होने वाला है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि इसका जो लोकेशन है, ये आप लोग देख सकते हैं इस तरह से पूरा पीछे जो है लोकेशन दिया हुआ है, बहुत ही मजा आने वाला है गाइस। आज फर्स्ट टाइम जो है डीजे आर्मी सेंटर जो है आप लोग को लाइव दिखाने वाला है, जो कि पूरा टीम है, और अंदर जो हम लोग यहाँ पे जो है एग्जिट दिया हुआ है, लेकिन पता नहीं बंडी भैया किधर से। तो अभी जो है हम लोग का पूरा, जो कि हम लोग यहाँ नया है, तो हम लोग को समझने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है दोस्तों। ये देख सकते हैं किस तरह से कहाँ घुसना है, कहाँ निकलना है, ये किसी को समझ में नहीं आ रहा। देखिए यहाँ पे इतना बड़ा एलईडी वगैरह लगा हुआ है, आप देख सकते हो कि बहुत बड़ा एलईडी है, देखने में कैमरा वीडियो में कैप्चर नहीं हो पा रहा है, बढ़िया है। और ये आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ से हम लोग जो है इंटर करने वाले हैं, और यहाँ पे दोस्तों बहुत ही अच्छा खूबसूरत डिजाइन दिया गया है। देखिए सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर देखने वाले हैं राजगीर जू सफारी। दोस्तों इसी के लिए जो है इतना देर से हम लोग मेहनत करते हुए आ रहे हैं, और यहाँ का ग्लोबल वगैरह सारा चीज़ दिया हुआ है, ये देखते हैं लेवल वॉल है, जो कि सारा चीज़ जो यहाँ दिखाया जा रहा है किस तरह से एक मतलब इतिहास को दर्शाया गया है, बहुत ही मज़ा आ रहा है दोस्तों। ये आप देख सकते हैं किस तरह से मैप वगैरह सारा चीज़ जो है यहाँ दिखाया गया है, और किस तरह से पत्थर के थ्रू किस तरह काम हुआ था, बाकी सारा चीज़ यहाँ पर दिखाया गया है। और दोस्तों जो ह्यूमन बॉडी एक स्ट्रक्चर से किस तरह से एक छोटा सा बड़ा हुआ, पहले क्या था और अभी क्या है, ये चीज़ को यहाँ दर्शाया गया, ये आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, ये देख सकते हैं किस तरह से दर्शाया गया है।
पहले हम लोग एक बंदर के रूप में थे, उसके बाद हम लोग थोड़ा इंसान के रूप में आए, उसके बाद धीरे धीरे जो है इंसान के रूप में आते जा रहे हैं। उसके बाद ये देख सकते हैं, ये फाइनली जो है एक फूलों का जो लाइफ स्ट्रक्चर है, ये चीज़ को यहाँ दर्शाया गया है। ये आप लोग देख सकते हैं, ये आप लोग देख सकते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मज़ा है। और यार बोले तो बहुत ही मज़ा आ रहा है यहाँ पे। यहाँ जगह देखिए एलईडी वगैरह सारा चीज़ लगा हुआ दोस्तों, ये सर ये देख सकते हैं दोस्तों किस तरह एलईडी लगा हुआ है, सारे चीज़ को समझाया भी जा रहा है ये आखिर है। तो दोस्तों ये जो है ह्यूमन बॉडी को दिखाया और टाइगर को दिखाया और फिर लायन को दिखाया, साथ साथ आपको हिरन वगैरह का डियर जो है ये देखने को मिला है। और इधर भी दोस्तों स्टैचू लगा हुआ है, स्टैचू लगा हुआ है आप लोग देख सकते हैं, इधर भी बहुत ही खूबसूरत स्टैचू लगा हुआ है। यहाँ सारे लोग जो है परफेक्टली काम कर रहे हैं, बहुत ही मज़ा आ रहा है। बोले तो ठंडा भी लगा, अच्छा लगा। बाकी दोस्तों तब से मतलब जो है ना पूरा मुँह हाथ सब लाल हो गया था, लेकिन अब जो है मज़ा आया थोड़ा देर के लिए, लेकिन रेस्ट लगा। और वीडियो को भी पूरा दिखाएंगे, वीडियो को इन तो देखिएगा, मज़ा आने वाला है। तो गाइस हम लोग फाइनली जो है बस में चढ़ चुके हैं और हम लोग राजगीर का जो है बस में है। ये आप लोग देख सकते हो पूरा टूरिस्ट बस है और साथ ही साथ जो है लक्ष्मी कैबिनेट का पूरा टीम है। और ये आप लोग देख सकते हो, तो ये है हमारे स्टाफ लोग जो कि ये पूरा देख सकते हैं, ये बंट भैया है और साथ ही साथ सारे स्टाफ से। और हम लोग जो है निकल चुके हैं राजगीर के जू पर और हम लोग यहाँ पे सफारी पे बैठे हुए, ये आप लोग देख सकते हो कि सफारी पे हम लोग है। और यहाँ से जो है हम लोग पूरे ये पूरे जू का जो है नज़ारा आप लोग को दिखाने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को इन तो देखिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। और तो दोस्तों ये आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग रोड पे निकल चुके हैं अभी है। यहाँ पे क्या क्या मिलेगा, बियर सफारी, लियोपार्ड सफारी, टाइगर सफारी और लायन सफारी। देखिए यहाँ पे क्या क्या बोल रहे हैं, पहले सफारी की हो जहाँ जाने के बाद आपको तीन बार देखने को मिल सकते हैं। हम लोग चलते हैं उन्हीं को देखने के लिए, उन्हीं को ढूंढने के लिए। तो गॉड्स अपनी विंडो के साइड में ढूंढना शुरू कर दीजिएगा। अभी हम लोग जंगल के बफर जोन में, इस तरफ आपको वाइल्ड बोर नील गाय ये सभी दिख सकते हैं। तो गाइस जो है वार्ड जो बता दिए हैं कि हम लोग को विंडोज के ये जो विंडोज है यहाँ से हम लोग को देखना है। तो क्या क्या देखने को मिलेगा वो हम लोग देखेंगे आज के वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो पे यार कैसा लगा जरूर बताना, बहुत ही मज़ा आ रहा। आपका भाई जो है आप लोग का प्यार सपोर्ट की वजह से यहाँ तक पहुँच पाया, जो कि राजगीर का जो है जू सफारी में यहाँ पर हम लोग आए हैं और यहाँ का जो है मज़ा ले पा रहे हैं। और इस वीडियो के माध्यम से आप लोग भी मज़ा ले रहे होंगे हमको, मुझे पता है दोस्तों। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो दोस्तों अभी जो है हम लोग टाइगर का जो भी जितने सारे यहाँ पे जानवर होंगे, वाइल्ड वाइल्ड लाइफ होंगे, टोटल चीज़ का जो है यहाँ जितने टाइगर होंगे, जानवर होंगे, एनिमल होंगे, सारे चीज़ का जो है मैं अभी वीडियो दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो का इंट देखिएगा, पूरा देखिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। ये बात अलग है गाड़ी घुमा कर देखिए, ये राजा साहब है जंगल के, जंगल के मेल लाए हैं, इनका नाम दारा सिंह है। दारा सिंह, दारा सिंह बाल छोटा छोटा है अभी, ये ढाई साल के अभी है, ढाई साल। ये गाड़ी पर हमला नहीं करती है ना? करते हैं सर, फ्लैश लाइट हम आपको इसलिए ऑफ करवा रहे थे। ये सभी जो जानवर होते हैं ना, न्यूटन का थर्ड लॉ पढ़े होते हैं, एवरी एक्शन की डिग्री इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, क्रिया के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया। और इनके रिएक्शन जब भी होते हैं बहुत ही रोमांचक होते हैं। ग्लास तो बहुत मजबूत है, ग्लास नहीं टूटेगा, लेकिन दिल कितना मजबूत है ये आप पर डिपेंड करेगा। अभी कुछ दिन पहले लगभग 2 महीने हुए ऐसे हमले हुए थे जिसमें 2 परिवारों में झगड़े हो गए थे। इन लोग के चलते तो गाइस देख सकते हो ये पब्लिक रिएक्शन किस तरह से है। यहाँ पे सब लोग उठ चुके हैं टाइगर को देखने के लिए और मेरे कैमरे पे तो कैप्चर हो गया है, आप लोगों को फ्रंट कैमरा में दिखा दिया हूँ। और ये देख सकते हैं पूरा जो पूरा कैप्चर हो चुका है। और हम लोग जो है और अभी हम लोग को भी डर लग रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं डर लग रहा है। और हम लोग पहुँचने वाले हैं, अब कहाँ पहुँचने वाले भैया? देखिए एक शेरनी बांस हो रही है, आप देखिए एक शेरनी है और एक शेरनी है, देखिए वहाँ पे बांझोड़ में देखिए, हाँ देखिए बंटी भैया पूरा मज़ा ले रहे हैं ना, बंटी भैया देख सकते हैं बंटी भैया पूरा मज़ा ले रहे हैं। तो गाइस सफ़र अभी सफारी के साथ सफ़र जो है बहुत ही रोमांचक हो रहा है, आगे देखते क्या होता है। तो वीडियो को एंटर देखिए, पूरा देखिए, वीडियो बहुत मजा आने वाला है। गाइस आप लोग देख सकते हो कि टाइगर जो है पूरे रास्ते में है, ये आप लोग देख सकते हो किस तरह से जो है टाइगर, और ये आप लोग देख सकते हो किस तरह टाइगर है। ये बंटी भैया देख सकते, बंटी भैया इधर थोड़ा ध्यान दीजिएगा,
पूरा मजा ले रहे हैं ना। ये देख सकते हैं टाइगर किस तरह से, वाह सुपर हिट। इसको पहचान रहे भाई, आपका बिरादरी का है? उसका नाम सिखा है। हेलो सिखा, सिखा तो धोखा दे दी यार। वाह क्या कर रहा है, अगर आप जंगल घूम रहे हो सामने जंगल के शेर से हो जाए। जियो जियो शेर, मजा आ गया देखने में भाई, सामने ये सीन मजा आया। तो 100% श्योर ये वापस नहीं आएंगे, एक नंबर एक नंबर। जंगल के शेर और घर के शेर दोनों एक जैसे होते हैं, दोनों हमेशा खा पी कर मस्त रहते हैं। मजा आ रहा है। नहीं सही सही सही, गाय आप लोग देख सकते हो क्या खूंखार से ये वो सिखा थी। ये कौन है? दारा सिंह है, देखिए दारा सिंह है जी, मर्द फिल्म वाला दारा सिंह वो नहीं है, ये दारा सिंह देख सकते हैं आप लोग। क्या कर रहा है ये? भाग रहा है। ओह माय गॉड, इसीलिए तो फिदा ज्यादा सब शेरनी लोग। ओ भाई साहब क्या कर रही है तू, सिसवा में पोछ पाछ दे रखा है बंडी ये आपका पोज दे रहा जो अगले बार जहाँ पे ग्लास पे लगा तो फिर गाड़ी रुकेगी नहीं, तो हम डायरेक्ट सफारी प्लान। एक बार कह रहा है समझ में नहीं आ रहा है, ग्लास ग्लास में मत, यही मार रहा है। गलती से मार दिया ना बस पर पंजा, तो मजाक नहीं कर रहे, आपका दिल है ना जो इसी जगह रह जाएगा। ये सीन देखना बाकी था बॉस, यही सीन तो बाकी था। बंडी में पूरा मजा लेके देख रहे हैं। अरे दारा सिंह भाई, ये तो बुढ़ा गया, ढाई साल का है शेरनी के पास जा रहे हैं। दवाई देगा थोड़ा आगे कीजिएगा भाई, थोड़ा आगे कीजिए। होले होले होले, वो जानता है, वो जानता है वहाँ कुछ खेला होगा, मैंने पटा रहा ना। ओ भाई लाइन क्लियर, लाइन क्लियर, लाइन क्लियर है भैया, लाइन क्लियर। पसंद आई है, पसंद आई है भाई, दाढ़ी वाला माल है। जियो जियो सर, जियो जियो, ये 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 झकास झकास झकास, नाइस बोल रहा है। लो क्या दे रहा है, मेल 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 भेज रहा है ना, व्हाट्सएप के जमाने में भी मेल भेज रहा है यार ये लोग। तो गाइस देख सकते हैं कि किस तरह लायन मैंने क्या टाइगर टाइगर एंड टाइगरनी कितना प्यार कर रहे हैं। जो इन लोग आज एनिवर्सरी नहीं है फिर भी एनिवर्सरी मना रहे हैं, ये प्यार, ये प्यार देख के तो अपना प्यार भूल जा रहे यार। वाह चलिए अब बैठ जाइए सभी, अब आगे चलेंगे हम लोग, दो और बचा उसको ढूंढने के लिए। अब इन लोग अपना काम करेगा भाई जान, गेट है यहाँ से हम लोग डियर सफारी में एंट्री कर जाएंगे, लेकिन फिलहाल इस गेट पे है तो जाने को मिलेगा नहीं। ये भोला नामक डियर है, ये मेल है, गेट पर अपना सिक्योरिटी में लगे हैं, जाना नहीं मेल है समझा ना, इनको इस बात का डर रहता है कोई इनकी झबरी को लेकर ना चले जाए, इसलिए देखिएगा ये कहीं लेकर न चल जाए, पहनवा लेकर नहीं जाएगा ना झबरी को। अप एंड डाउन, लेफ्ट राइट कर रहा है तो अप एंड डाउन, कदम आगे ना जाएंगे ना एक कदम पीछे जाएंगे, एकदम बस गेट पर ही लगे रहेंगे। वो अपना झबरी का इंतजार कर रहे हैं, नहीं ऐसे नहीं रहते, इनकी आदत लगी हुई है लगभग 4-5 महीने से, ऐसे लगभग 2 बजे के आसपास डेली आते हैं और इस तरीके से लगभग 5 से 7 बजे तक ऐसे ही करते रहते हैं।
ये इवनिंग नहीं क्या बोलते इसको थकते नहीं है। क्या हुआ है ना, जब पहले अक्सर अक्सर नहीं कर देते, एक बार क्या होता है जो इनकी फीमेल पार्टनर है झदरी जिनका नाम है, बहुत ज्यादा बीमार हो गए थे इस सफारी में, तो फर्स्ट एड दिया गया था, ठीक नहीं हुए थे, तो बस इनको इस जगह से लेके जाया गया था, इनके हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया था। तो जब से इनकी आदत हो गई है, तो ये प्यार का मामला है, पीछे पीछे ये भागते हुए आए थे, तब से इनकी आदत तेरे नाम इस जंगल में मौजूद है मंडेविया, इनकी आदत नहीं छूटी है मंडेविया, तेरे नाम 8 से 9 दिन तक खाना खाने नहीं लगते, ये तेरे नाम वाला कहानी हो गया है। कहीं प्यार ना हो जाए। गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं, पूरा टीम हमारे साथ है देख सकते हैं, और हम लोग अभी भालू के पास से गुजर चुके हैं, टाइगर को भी देख लिया है, अब अभी हिरन वगैरह भी देखेंगे। ये लड़का वाला पार्टी था, अभी हम लोग लड़की वाला पार्टी में जाएंगे, भले मिल जाए या नहीं मिल जाए, लेकिन झबरी झबरी भालू झबरी भी है यहाँ, झबरी को भी देखेंगे। बंटी भैया पूरा ध्यान से देख रहे हैं झबरी को ना, झबरी को ढूंढने के लिए जा रहे हैं बंटी भैया अभी है ना। तो पवन पवन पुत्र हनुमान दिखा झबरी, चलिए ठीक है। तो गाइस वीडियो पूरा देखिए, इधर के मज़ा आएगा, झबरी को ढूंढ लेते हैं फिर मैं आप लोगों को वीडियो दिखाता हूँ। तो गाइस फाइनली हम लोग का टूर कंप्लीट हो चुका है, और हम लोग सभी बस से उतर चुके हैं, और बंटी भैया भी देख सकते हैं कि उतर रहे हैं, और ये रहा हमारा यहाँ का टूर, समझ लीजिए तो बहुत ही अच्छा रहा और मज़ा भी आया। बंटी भैया लास्ट में शायद आने वाले, देख सकते हैं कि बंटी भैया हमारे साथ होंगे कुछ ही देरों में। तो भीड़ बहुत ज़्यादा है, बहुत ही मज़ा आया, इंटरटेनिंग है और इन्जॉय भी किए, और ये आप लोग देख सकते हैं कि बंटी भैया अभी हमारे साथ आएंगे, तो शायद बंटी भैया पूरा लेट और ये सोच रहे कि फिर से घूमने जाना है क्या बंटी भैया हैं। देख लीजिए पहुंच गया मंडी भैया, चलिए अब हम लोग दूसरा नेक्स्ट कहाँ घूमना है क्या करना फिर देखते हैं, धीरे धीरे पता चल रहा है। चलिए गाइस फिर मिलते हैं, बैट और मेरे मोबाइल का बैटरी भी लो हो चुका है, तो यहाँ तक एंड करते हैं, फिर पूरे टूर का मज़ा लेंगे और जितना भी है लाइव वगैरह है सारा चीज़ करते रहेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, मज़ा लीजिएगा और इन्जॉय कीजिएगा ज़रूर। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं अभी यहाँ थिएटर, तो देख सकते हैं कि थिएटर ये हम लोग बाहर, अब हम लोग जो है अंदर घुसने वाले थे, हमारे भाई बंटी भैया जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो गाइस बहुत ही एनर्जेटिक और बहुत ही शानदार रूप से, फर्स्ट भी बहुत मस्त है, और ऊपर का सीन भी आप लोग देख सकते हो दोस्तों कि बहुत ही मस्त है, लाजवाब है और देखने लायक बहुत ही मस्त है। तो खासकर हम लोग बंडी भैया और हम जो है पीछे हो गए हैं, और किधर जाना है बंडी भैया यही ना। तो गाइस आप लोग देख सकते हो किस तरह करके थिएटर है, थिएटर बोले इतना बड़ा स्क्रीन जितना आप देख रहे हो, इतना बड़ा स्क्रीन है गाइस, आप लोग देख सकते हो अंधेरा है, लाइट है, और बहुत ही अच्छा इसका साउंड सिस्टम भी बहुत अच्छा किया गया है, आप देख सकते हो किस तरह से इसको 3D दिया गया है, लुक दोस्तों जो है आपका पूरा इच्छा करके दिया गया, देख सकते हैं एकदम कर्व मॉडल में बनाया गया है इसको, बहुत ही अच्छा फीचर्स दिया गया है, बहुत ही मस्त है। तो गाइस वीडियो किस तरह लगा जरूर बताइएगा, और अपना कमेंट जरूर दीजिएगा और फीडबैक जरूर दीजिएगा, और अभी हम लोग थिएटर का मज़ा लेने वाले हैं, उसके बाद जब बैक जैसे फ्रंट में आप लोग को दिखा दूँ तो रियर कैमरा भी यूज करके मैं दिखाऊँगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है, और एंड तक देखिएगा दोस्तों। अभी जो है सभी लोग बैठ गए हैं और मुझे भी बैठना चाहिए, तो दोस्तों आपका भाई थिएटर पे आ चुका है, और अभी पूरे वीडियो का अब जो है हम लोग फ्रंट कैमरा या बोले तो रियर कैमरा से दिखाने वाले, तो दोस्तों फिर मिलते हैं, वीडियो को पूरा देखिए। विशाल संयुक्त परिवार की तरह है जिसमें ये सभी जीव एक ही घर में रहते हैं, जैसे मछलियाँ, मोलस्क, डॉल्फिन, सील, वॉलरस, क्रस्टेशियन, बैक्टीरिया, समुद्री एनिमोनी, और हाँ ब्लू व्हेल भी, जो पृथ्वी का सबसे बड़ा जीव माना जाता है। और जंतु ही नहीं, इन समुद्रों में पौधों की भी लाखों प्रजातियां पाई जाती हैं। इन विशाल समंदरों का पानी हमारी पृथ्वी का लगभग 3/4 हिस्सा है। इस धरती पर 5 बड़े महासागर हैं: आर्कटिक, अटलांटिक, हिंद, प्रशांत और दक्षिणी महासागर। ये सागर इतने महत्वपूर्ण हैं कि इनका तापमान और लहरें दुनिया के हर हिस्से के मौसम पर असर डालते हैं, चाहे वो मौसम कितना ही खतरनाक क्यों ना हो। हमारी ही तरह पानी के नीचे पनपता हर जीवन सूरज की रोशनी पर निर्भर है।
जी हाँ जनाब, सिर्फ ये जंतु मछलियाँ पेड़ पौधे ही नहीं बल्कि बैक्टीरिया जैसे सूक्ष्म जीव भी सूरज से ऊर्जा पाकर खिलखिला उठते हैं। ये देखो मिस्टर ऊदबिलाव कितने मजे ले रहा है, देखा इसे, अपने चेहरे की पोजीशन ऐसे बदल रहा है जैसे किसी स्पा में स्टीम ले रहा हो। और वो चली मैडम व्हेल इठलाते हुए सनबाथ लेने। और ये जोकर मछली यानी क्लाउन फिश, ये तो गाना भी गाती है भाई बिना किसी सुरताल के। हाँ, ये राग समुद्री जानती है, और कोई खतरा महसूस होने पर ये कभी हुर्राती है और कभी चहकती है। क्लाउन फिश है ना। और ये डॉल्फिन हमारे स्मार्टफोन से भी ज्यादा स्मार्ट है, ये अपनी आवाज का इस्तेमाल सोनार की तरह करके एकदम सही दिशा में तैरती और एक दूसरे को संदेश भेजती है। जी हाँ, ईमेल या व्हाट्सएप से भी तेज। मूंगा चट्टाने यानी कोरल रीफ दुनिया की सबसे विविध इकोसिस्टम्स में से है। इन चट्टानों को तो गाइस फाइनली जो है ये 3D थिएटर भी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्या होने वाला है वो भी हम लोग देखेंगे। तो ये रहा, हम लोग जो है इस थिएटर से बाहर निकलने वाले हैं। अंदर बहुत ही AC वगैरह लगा था तो बहुत मस्त लग रहा था, और बंडी भैया लोग निकल चुके हैं वो देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ से निकलेंगे, देखते हैं क्या होता है, कैसा मज़ा आता है या क्या आता है। तो गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं थिएटर से बाहर, और अब भी हम लोग जाने वाले हैं कहीं और दूसरी जगह। तो ये फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं, एंजॉय करते हुए जा रहा है, सारे फ्रेंड्स वगैरह पीछे भी है, बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि बहुत लोग पहचान रहे हैं, इससे ज़्यादा खुशी होता है। हालांकि किसी से बात नहीं करवा रहे हैं लेकिन टाइम नहीं है, इसी वजह से हम लोग को निकलना पड़ रहा है। ये आप लोग देख सकते हैं पहुँच गए, और हम लोग यहाँ सभी एग्जिट लेंगे। तो गाइस हम लोग फाइनली जो है यहाँ से निकल गए, अब कहाँ जाना है बंडी भैया बताएंगे। और देख सकते हैं कि बंडी भैया पीछे हमारे, जो कि अभी हम लोग निकलने वाले हैं। तो बंडी आप, तो बंडी भैया आप कहाँ जाने वाले हैं इसके बाद? झूठ सच जो है, आप पब्लिक, आप पे डिपेंड है, और आप पब्लिक पे जाएंगे तो आराम करेंगे। अच्छा, बहुत थक गए क्या? थक बहुत गए, ज्यादा धूप, ड्राइवर साहब थक गए, सवेरे से जो खाना नहीं। देखिए कल हम लोग को वहाँ जाना है। अच्छा, कल वहाँ जाना है। अच्छा, तो गाइस कल हम लोग जो है वो पहाड़ दिख रहा है कि नहीं यहाँ से, लेकिन मैं आप लोग को फ्रंट में दिखा दे रहा हूँ। तो शायद ये मोबाइल पे उस कनेक्शन नहीं दिया मेरा मोबाइल पे, मेरा मोबाइल थोड़ा डाउन हो गया, बैटरी डाउन हो गया, इसलिए भैया का मोबाइल से वीडियो शूट हो रहा है, इसलिए उल्टा सीधा नहीं हो रहा ना, तो समझ नहीं पा रहा है, इसे सेटिंग नहीं समझ पा रहे है, होता है, समझ नहीं पा रहे, सेटिंग नहीं समझ पा रहे। खैर कोई नहीं भाई, कल अब हम लोग जो है और एक ट्रिप पे दिखाएंगे। तो वीडियो अभी भी जारी है, वीडियो बहुत लंबा बनने वाला है, लेकिन वीडियो बहुत मजा आने वाला है। कल जम्मू भी, जम्मू वगैरह भी निकलने वाला है, घर है मेरा वहाँ। अच्छा, बंडी भैया का घर है जम्मू में, जैसे इनका गांव भी है, तो वहाँ हम लोग पहुँचने वाले गाइस। तो अब जो है वीडियो को एंड करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए हैं, ये देख सकते हैं सब भूखे प्यासे है ना, सब थके हुए हैं, और अभी क्या होगा पता नहीं। तो वीडियो को एंड करते हैं यहीं तक। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा, मज़ा आने वाला है, अभी भी बहुत सारा चीज़ जो है इसमें दिखाने वाला है। तो यहीं तक का अभी का सफ़र है, उसके बाद फिर कल क्या होगा वो देखेंगे। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, फिर आज एक नए ब्लॉग के साथ आप लोग देख सकते हो कि आज जो हम लोग राजगीर पहुंच चुके हैं, और ये रॉप ट्रेवल में हम लोग चलने वाले हैं, जिसमें कि रस्सी से जो डोली को खींचा जाता है उसमें हम लोग चढ़ने वाले हैं। तो आज के वीडियो में दोस्तों का यही खास होने वाला है कि हम लोग जो है रॉप में चलने वाले हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं केबिन रॉप एवं क्या लिखा है, चेयर लिफ्ट का टिकट घर। तो दोस्तों हम लोग जो है अब हम लोग जाने वाले हैं केबिन रॉप एवं एंड चेयर लिफ्ट। चेयर लिफ्ट मतलब दोस्तों उसमें चेयर होगा, उसके बाद लिफ्टिंग होगा, उसके साथ हम लोग जो है ऊपर और जाने वाले हैं। तो गाइस यहाँ से इसका एंट्री गेट है, आप लोग देख सकते हो एंट्री गेट है यहाँ से, उसके बाद हम लोग इसको अंदर करेंगे, उसके बाद अंदर का व्यू दिखाएंगे दोस्तों।
तो गाइस हम लोग यहाँ बैठ चुके हैं डोली पे, आप लोग देख सकते हो, और बताने में बहुत ज्यादा डर लग रहा है। और तो बंडी भैया को ये आगे में है, और बंडी भैया थोड़ा इधर देखिएगा, इधर चेहरा चेहरा चेहरा, हाँ। तो देख सकते हैं कि गाइस फाइनली आए, और यार मजा आ रहा है। देखिए आप लोग देख सकते हो, मैं बाहर का लोकेशन दिखा दे रहा हूँ, किस तरह चढ़ा हुआ हूँ। मोबाइल भी डर लग रहा है, कहीं गिर गया तो इसको उठाने के लिए जगह नहीं मिलेगा। तो दोस्तों थोड़ा सा डर तो लग रहा है, लेकिन मज़ा आ रहा है गाइस, बहुत इंजॉय आ रहा है। आप लोगों का प्यार सपोर्ट से देखिए आज कहाँ मैं पहुँच गया हूँ। राजगीर का जो है रॉप लिफ्ट में बैठा हुआ हूँ, रॉप चेयर लिफ्ट, ये आप लोग देख सकते हो। बहुत ही मज़ा आ रहा है, धीरे धीरे जा रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, रिलैक्स फील हो रहा है। और ये आप लोग देख सकते हो दोस्तों कितने खाई में मैं हूँ, ये आप लोग देख सकते हो। मोबाइल दिखाने में भी डर लग रहा है मुझे, ऐसे मैं हैंड से दिखा दे रहा हूँ। ये आप लोग देख सकते हो दोस्तों किस तरह से मैं नीचे में हूँ, और हमारा लिफ्ट जा रहा है। ये देख सकते हैं किस तरह से जा रहे हैं, आगे तरफ में जो दिखाई दे रहे हैं 73 में, ये बंडी भैया है। बंडी भैया थोड़ा हाई कीजिएगा, देखिए बंडी भैया हाई कर रहे, देखिए ये रहे बंडी भैया। बहुत मज़ा आ रहा है, सच बताओ तो बहुत मज़ा आ रहा है। तो स्टैंड लगा लिया है मैंने, और ये आप लोग देख सकते हो दोस्तों कितना रिलैक्स फील हो रहा है, मज़ा आ रहा है। लेकिन तो गाइस हम लोग तो रॉप लिफ्ट में आ गए हैं, ये देख सकते हैं रॉप लिफ्ट किस तरह से पार हो रहा है, ये आप लोग देख सकते हो। खैर उधर से कोई आ नहीं रहा है, क्योंकि हम लोग जो है फर्स्ट टाइम और पहले ही आ गए हैं, सबसे फर्स्ट टाइम में हम लोग यहाँ चढ़ रहे हैं, तो फर्स्ट टाइम हम लोग का है, इसीलिए थोड़ा मज़ा आ रहा है। और यहाँ पे लिफ्ट में कोई नहीं, आप लोग देख सकते हो लिफ्ट जो आ रहा है खाली खाली आ रहा है। बहुत एंजॉय लग रहा है दोस्तों, ये आप लोग इधर का व्यू ये रहा। तो दोस्तों इस तरह से यहाँ जो है रॉप लिफ्ट का जो मज़ा लेते हुए हम लोग जो पूरा टीम जो है हमारा पूरा टीम यहाँ पे देखने को मिल रहा है दोस्तों, पूरा मज़ा आ रहा है। लेकिन सच बोलूँ तो पूरा मज़ा आ रहा है। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। वीडियो को एंड तक देखिएगा, अभी भी बहुत सारा चीज़ है जो आप लोग के बीच में मैं लाने का प्रयास करूँगा, कोशिश करूँगा। और आप लोग इसी तरह सपोर्ट करते रहिए, लाइक करते रहिए वीडियो को, कमेंट करते रहिए। तो दोस्तों फिर और भी चीज़ दिखाता हूँ। तो गाइज फाइनली हम लोग वहाँ से उतर चुके हैं, अब जो है हम लोग यहाँ पर आ गए हैं शांति, यहाँ क्या कहते हैं उसको तो खास तो मुझे भी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं। हमारा टीम अभी रेस्ट ले रहा है, और मैं ब्लॉगिंग के लिए निकल गया हूँ। तो ये आप लोग देख सकते हो दोस्तों बहुत ही रोमांचक जगह है, यहाँ भी आप लोग आ सकते हैं टूरिस्ट के लिए, बहुत ही मस्त है। और मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है, मुझे पता नहीं, बहुत ही अच्छा लग रहा है, फिर एकदम मुझे कॉन्फिडेंस वाला आ रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप लोग देख सकते हो किस तरह सा जगह है, और बहुत ही बढ़िया है, परफेक्ट लुक है, और देखने लायक भी बहुत बढ़िया। आप लोग भी आइए कभी घूमने के लिए, बहुत विशाल मंदिर है, आप लोग देख सकते हो किस तरह से बनाया गया है, इसको देखने में ही बहुत ही यूनिक है दोस्तों, और बहुत ही मज़ा आएगा। तो दोस्तों और भी चीज़ है जो मैं आपको दिखाऊंगा, शायद हो सके तो इसके क्लोज भी जा सकूं, तो देखता हूं परमिशन यहां मिलता है कि नहीं, तो फिर मैं इसके अंदर भी लेके जाऊंगा। आप लोग देख सकते हो कि कितना दूर हम लोग पहुंच चुके हैं, और ये जो है बुद्ध मंदिर है, जो ये आप लोग देख सकते हो, ये इतने ऊँचे पहाड़ में जो है इसको स्थाई दिया गया, रखा गया है। ये आप लोग देख सकते हो बुद्ध मंदिर है यहाँ पर, और यहाँ बंटी भैया फोटोग्राफी करते हुए, बंदर भी बहुत सारा जो बंदर यहाँ आया हुआ, तभी ये देख सकते हैं बंदर क्या खा रहा है। ये चीज़ है देखने लगे बहुत ही अच्छा है, इधर भी यहाँ देख सकते हैं बंदर है। और गाय जब हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं, देख सकते हैं कि बंदर यहाँ खा रहा है। मंदिर है यहाँ पे, देख सकते हैं चाइनीज मंदिर है, चाइना का जो मंदिर है वो यहाँ पे भी बसाया गया है, ये देख सकते हो। यहाँ फिलहाल अंदर में से कैमरा अलाउ नहीं है, इसलिए कैमरा वगैरह नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों अब यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं, उसके बाद हम लोग जो है और भी जगह जाएंगे, तो वहाँ का भी वीडियो जरूर आप लोग को दिखाएंगे। तो गाइस फाइनली यहाँ का सफ़र कंप्लीट हुआ, अब हम जो हम लोग हैं नीचे जाएंगे, उसका भी सीन जरूर आप लोग को दिखाएंगे। गाइस देखिए किस तरह से हम लोग को यहाँ लिफ्ट में चढ़ाया जा रहा है, और ये लिफ्ट जा रही है, ये आप लोग देख सकते हो। कंट्रोल नंबर चेक हो रहा है, टिकट टिकट चेक, अब जो है हम लोग फिर लिफ्ट में चढ़ के जाएँगे। दोस्तों आप लोग देख सकते हो यहाँ पर, उसके बाद मेरी
की बारी है, मेरा भी प्यारा रेड वाला है, तो यहाँ पे मॉफ कर लेता हूँ वरना गिर जाऊँगा। तो गाइस फाइनली मैं बैठ गया हूँ, यहाँ से देखिए मैं निकल चुका हूँ और बहुत ही मज़ा आ रहा है गाइस। यार ये तो खुल जा रहा है। तो दोस्तों ये देख सकते हो किस तरह से डर लग रहा है बहुत ज़्यादा, कैमरा करने का भी मन नहीं कर रहा है। और आप लोग फ्रंट में दिखा दूँ तो किस तरह से लोग कि किस तरह से आ रहा है सब, ये देखिए गाइस बहुत ही मस्त सीन लग रहा है। डर लग रहा है कि कैमरा कहीं गिर ना जाए। ये देख सकते फैमिली वाला भी है इधर, ये देख सकते हैं फैमिली वाला भी जा रहा है। और इधर जो है हम लोग सिंगल लिफ्ट है, बच्चा लोग भी आता है दोस्तों। ये देख सकते हो बच्चा लोग कितना कॉन्फिडेंस के साथ जो बच्चा लोग जो आ रहा है, ये आप लोग देख सकते हो। बहुत ही मस्त सीन है, बहुत ही अच्छा लग रहा है और बोले तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। ये देख सकते हो बच्चे लोग डरते हुए आ रहे हैं। डर लग रहा है बच्चा? नहीं लग रहा है? डरने लग रहा है? चलो बढ़िया है, आपको भी डरने लग रहा है? चलिए बढ़िया है। देख सकते हो गाइज कि किस तरह बच्चा लोग कॉन्फिडेंस के साथ जो है यहाँ पे लिफ्ट में, रोफ लिफ्ट में, रोफ चेयर लिफ्ट में जो है पार हो रहे हैं। बहुत ही मज़ा आ रहा है। और आप लोग देख सकते हो किस तरह से जो है हम लोग का पूरा टीम नीचे जा चुका है, ये आप लोग देख सकते हो। तो गाइज बहुत ही नीचे है, आप लोग देख सकते हैं कि कितना नीचे है, ये आप लोग देख सकते हो। यहाँ से दोस्तों फिरकी लेने में बहुत मज़ा आता है। यहाँ सबसे ज़्यादा कि सामान का आप सेफ्टी रखना पड़ेगा, गिर गया तो यहाँ से लेना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि आने में यहाँ बहुत टाइम लग सकता है। तो दोस्तों ये रहा जो है यहाँ का सीन है और देख सकते हैं किस तरह से जो लोग आते जाते दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए ऊपर से भी लिफ्ट जा रहा है और नीचे में भी लिफ्ट है। तो गाइस ये हमारा लिफ्ट रहा, ये आप लोग देख सकते हो किस तरह से जो है लिफ्ट में दिखाई दे रहा हूँ आपको। शायद मेरे पीछे भी होंगे, ये आप लोग दिखा दूँ, ऐसे तो मेरे पीछे जो है खाली दिखाई दे रहे हैं। देख सकते हो किस तरह से, बहुत ही मज़ा आ रहा है, पूरा मज़ा। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो लास्ट सीन है, उसके बाद जो है हम लोग नीचे का सीन दिखाएंगे क्योंकि कैमरा बाहर निकालने में डर लग रहा है हमको। ये देख सकते हैं फ्रंट, डर लग रहा है मैडम। मैडम को डर लग रहा था। तो गाइस देख सकते हो किस तरह से है, पूरा मज़ा आ रहा है एकदम। किसे से डर लगो नहीं की? नहीं लग रहा ना? हाँ देख सकते हो गाइस नीचे तक का सीन है। देख सकते मजा आ रहा ना भाई? पूरा मजा आ रहा भाई। चलो जिया। तो गाइस जब हम लोग नीचे चलते हैं, नीचे का सीन दिखाएंगे, तो फिर मिलते हैं।